मुस्कट शहर और ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों में इजाफे से परेशान हाल साकिनान मुस्कट ने मुस्कट में 6 दिन के सख्त जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है, ताकि कोरोना के बढ़ते फैलाव को फौरी रोका जा सके। जनता कर्फ्यू के निफाज़ का फैसला बलदिया मुस्कट में मुनक़द इजलास में किया गया, जिसमें सदर बलदिया मुस्कट, चीफ ऑफिसर मुस्कट, पुलिस इंस्पेक्टर के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए 15 सितंबर से रियासत भर में मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी मुहिम पर अमल किया जाने वाला है। इस मुहिम पर अमल आवारी के लिए जिला कलेक्टर ने जिले नांदेड़ के तमाम आला अहदेदारान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रब्ता किया और मुहिम पर मौसर तरीके से अमल आवारी की हिदायत दी। ये मुहिम 25 सितंबर तक जारी रहेंगी। शहर नांदेड़ में मुहिम पर अमल आवरी की जिम्मेदारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर रहेंगी, जबकि दही इलाकों में मुहिम के जिम्मेदार जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी मुहिम के तहत हर घर में रहने वालों की मेडिकल जांच की जाएंगी, इसके साथ साथ कोरोना वायरस के बारे में मालूमात दी जाएंगी। मुहिम पर अमल आवरी के लिए मेडिकल स्क्वाड तश्कील दिए जाएंगे, जिसमें मेडिकल स्टाफ के अलावा मुतालिका वार्ड अवामी नुमाइंदों की जानिब से नामजद कुर्दा दो सामाजिक कारकुन होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिला कलेक्टर ने कोविड के कानून पर जुर्माना की कार्रवाई ना किए जाने पर अपनी नाराजगी का इजहार किया और बलिया के कमिश्नर और तमाम सब डिविजनल अफसरान को हिदायत की कि वो कानून के निफाद में सख्ती करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर बलिया के अलावा तमाम सब डिविजनल अफसरान, तालुके के हेल्थ अफसरान ने हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते हैं आज के नांदेड़ कोरोना अपडेट की तरफ। नांदेड़ के सिविल सर्जन डॉक्टर भूसीकर ने जिले नांदेड़ का कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 494 कोरोना पॉजिटिव मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। अब तक जिले नांदेड़ में 7355 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस तरह गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। ये मरीज सरकारी अस्पताल इश्नुपुरी, जिला अस्पताल शिवाजी पुतला और खानगी अस्पताल में जेर इलाज थे। इनमें से 4 मरीज शहर नांदेड़ के भावसर चौक, कैलाश नगर, शारदा नगर, तेहरा नगर से ताल्लुक रखते हैं। इनमें 1 खातून और 7 मर्द मरीज है। नांदेड़ में कोरोना वायरस से अब तक 311 मरीजों की मौत हो चुकी है। आज पाए गए 393 मरीजों की तफसील इस तरह है। शहर नांदेड़ 218, नांदेड़ ग्रामीण 11, बाकी मरीज नांदेड़ जिले के मुख्तलिफ तालुकों और परभनी, आदिलाबाद, हिंगोली, जम्मू कश्मीर, निज़ामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। जिले नांदेड़ के सरकारी अस्पतालों, खानगी अस्पतालों, कोविड केयर सेंटर और लातूर में 3,759 मरीज जेरे इलाज है। इनमें 34 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। अभी मजीद 380 नमूनों की जाँच की रिपोर्ट आना बाकी है। जिले नांदेड़ में जहां कोरोना से अच्छे होने वालों का फीसद अच्छा है, तो वहीं कोरोना से मरने वालों की एक बड़ी तादाद है। हमारे यहां फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रूफ राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।